चंद्र है, मैं ऐसे परिवार से उठ करके आया जिसका कोई ठोर ठिकाना नहीं था। हमारे माता पिता खेतीहर मजदूर थे, जिनके पास अपना मकान नहीं था। उस वातावरण में मैं पढ़ाई किया और गरीब ताए से उलझते हुए शिक्षा को ग्रहण किया। शिक्षा को अच्छे स्थिति में लाने के लिए, ऊँचे शिक्षा के प्राप्ति हेतु मैंने कई स्थानांतरण किया और नालंदा के हिलसा क्षेत्र में जाकर के एसी कॉलेज से मैंने शिक्षा ग्रेजुएशन किया। वहाँ कुछ घटनाक्रम हमारे जीवन में ऐसा घटा जिससे प्रभावित होकर के हम गरीब बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। मैंने सोचा था कि जीवन में रह करके कुछ अच्छा नेक काम करना चाहिए। हमारे पास बांटने के लिए धन नहीं, संपत्ति नहीं था, लेकिन मेरे मन में यही भावना आया कि हमारे पास शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम लोगों को शिक्षित कर सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं। ऐसी भावना को लेकर के मैंने गरीब बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। गरीब बच्चों को पढ़ाना तब से शुरू किया जब हम आईएसी में पढ़ रहा था 1980 में। उसी समय से हम गरीब बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। उसके बाद पढ़ाते हुए बहुत दिन तक बिहार के नालंदा जिला में समय गुजारा। फिर से बंका घाट, बिहार शरीफ, हिलसा, कई स्थानों पर मैंने पढ़ाया, लेकिन पैसा नहीं लिया गरीबों से। बाद में हमारी आर्थिक स्थिति इतना उलझ गया कि बिहार छोड़ने के लिए मजबूर हो गया और मैं दिल्ली पहुंच गया 1996 में। जब हमको ठौर ठिकाना रहने का नहीं था, उस हालत में हमको रहने के लिए गरीब झुग्गी झोपड़ी के लोगों ने दिया। ऐसे हालत में हमारे मन में भी यही भावना जगी कि जितना प्यार और सम्मान ये लोग दे रहा है, हमें भी इसके साथ भलाई का काम करें। तो इनके बच्चों को पढ़ाने के लिए पुल के नीचे स्थान चुना और 2010 में फ्री स्कूल अंडर द ब्रिज का नाम देते हुए गरीब बच्चों को इकट्ठा किया और पढ़ाना शुरू किया। हमारे साथ कुछ टीचर भी आए, कुछ साथ दे रहे हैं, कुछ साथ देते हैं, कभी कभी आते हैं फिर चले जाते हैं, लेकिन यह पढ़ाई का काम आज भी चल रहा है। हम बच्चों को